फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू दम। तो मैंने छोटे साइज के आलू ले लिए और इसे अच्छे से धो के साथ टमाटर, प्याज, लहसुन। तो आलू छोटे साइज के ही लें, इससे आलू दम अच्छे बनते हैं। और चलते हैं। तो तेल मैंने पहले से रख दिया है गर्म होने, तो तेल हमारे गर्म हो गए तो इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू को हमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। और इसमें फोक से हम इसमें छेद कर लिया है ताकि इसमें मसाले हमारे अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें ज़रूर करें, नहीं तो आप फिर इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन इसमें डाल देंगे, दो प्याज हमने लिए थे मीडियम साइज के, दो प्याज। इसे भी भून लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे 8 से 10 काजू। तो इस तरह से हम प्याज को भून लेंगे गोल्डन होने तक। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो दो टमाटर मैंने लिए थे बड़े साइज के, इससे अच्छे से भून लेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। इसका नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो इसे निकाल लेंगे। तो सेम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारे अच्छे से चटक जाए इसमें हम डाल देंगे 1/5 हींग। और कुछ सूखे मसाले हैं, तेज़पात, दालचीनी, इलायची, 2-4 काली मिर्च के दाने। तो इसे भून लेते हैं। फिर इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। और ये हमारे प्याज टमाटर का पेस्ट, इसे भी डाल देते हैं। और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक साइड से तेल ना छोड़ दे। तो मसाले हमारे अच्छे से फ्राई होंगे तभी सब्ज़ी हमारे अच्छे टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मसाले इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे हम भुनेंगे। तो तेल हमारे अच्छे से साइड छोड़ दिया, तो मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे मिर्ची पाउडर। मिक्स गरम मसाला 1/2 चम्मच डाल देंगे। तो मसालों को अच्छे से भुनना है। तो इसमें मैं डाल दूंगी क्रीम, ये दूध की मलाई की क्रीम है। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, या तो स्क्रिप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इससे अच्छा आता है रेस्टोरेंट जैसा। कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और मसाले में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे अपना फ्राई किया हुआ आलू। तो ये देखिए आलू को डाल देते हैं। इस तरह से बनाते हैं आलू दम, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो क्रीम की जगह दही का भी यूज कर सकते हैं, दही दही से भी टेस्ट अच्छा आता है। इसमें डाल देंगे पानी। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ी सी और डाल देते हैं मिक्सी खंगा के। तो ये देखिए पानी मैंने 1/4 गिलास पानी मैंने डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा तो कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से अभी सॉफ्ट हो गए, पक गए हैं। तो हमारी सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो ये हमारा सब्जी बन के तैयार है आलू दम की। तो इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने सर्व किया है, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।